Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू को रिलीज़ हुए आज एक दिन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस एक दिन के अंदर इस मूवी के कलेक्शन की बात आज हम करेंगे। इस मूवी ने पहले दिन का कलेक्शन किया अपने नाम करीबन 6.5 करोड़ रुपए। तो वहीं अगर इसके दूसरे दिन यानी कि सैटरडे के कलेक्शन की बात की जाए तो ये मूवी सैटरडे को कलेक्शन करने वाली है 7 से 8 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। क्रिटिक्स ने भी इसको मूवी को अच्छे खासे रिव्यूज़ दिए हैं। तो वहीं अगर तीसरे दिन यानी कि संडे वीकेंड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी के वीकेंड कलेक्शन हो सकता है 10 से 12 करोड़ रुपए। जहाँ इस मूवी के क्रिटिक्स के रिव्यूज़ और लोगों को काफ़ी पसंद आने की बात की जा रही है तो इस मूवी के संडे का कलेक्शन हो सकता है 10 से 12 करोड़ रुपए। तो वहीं इस मूवी के अगर तीन दिन के कलेक्शन की बात करें, वीकेंड तक के कलेक्शन की बात करें, तो इस मूवी के तीन दिन का कलेक्शन होने वाला है 23 से 25 करोड़ रुपए के करीब। हालांकि शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर के लिए ये कमाना कोई मुश्किल बात नहीं थी और इस मूवी के अंदर उन्होंने अभिनय भी बहुत ही शानदार किया है। अगर आप मेरी मूवी देखी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन ताकि आपको और खबर मिले।